असला स्टूडेंट ऑफ क्लास एट आई होप यू ऑल आर डूंगेल स्टूडेंट टूडे विल स्टार्ट विदन नंबर एट ऑफ हिस्ट्री सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन एड एट चैप्टर नंबर एट सो स्टूडेंट द नेम ऑफ यूर दिस चैप्टर इज वुमेन एंड रिफॉर्म औरतें और बदलाव तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से हिस्ट्री में औरतों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए सो so, जो कॉलोनियल रूप था वो धीरे धीरे वेस्टर्न थॉट एजुकेशन और साइंटिफिक रैशनल को इंडिया के अंदर ला रहा था जो एजुकेटेड क्लास थे वो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे इन थॉट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए नाइनटीन सेंचुरी के दौरान जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे वो चाहते थे कि जो इंडिया का जो एस्पेक्ट है इंडियन लाइफ का वो जो इेशनल मतलब बेसमझ और जो हिंसा वाला है उसको चेंज कर सके जो ज्यादातर लीगलाइज रिफॉर्म्स थे वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर थे कोई भी बदलाव लोगों की जिंदगी में असल में फॉलो नहीं हो रहा था बहुत सारे सोशल इवेज प्रैक्टिस किए जा रहे थे इंडिया के अंदर जो इंडिया की सोसाइटी को बदतर कर रहे थे इन इक्वालिटी लोगों में असमानता की जा रही थी लोगों को समान नहीं समझा जा रहा था कभी कास्ट कभी जेंडर के बीच में जो लोगों के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था लोग एक दूसरे को एक दूसरे से कम और बदतर समझते थे कभी जाति के ऊपर और कभी लोगों के लिंग को लेके सो फर्स्ट आस्पेक्ट इज कंडीशन ऑफ वुमेन इंडिया में औरतों को बहुत ज्यादा इन्फीरियर और आदमी से कम समझा जाता था एक लड़की की पैदाइश को लोग स्वागत नहीं करते थे उसकी की शादी एक बोध समझा जाता था और अगर वो विधवा बन गई तो उसे अशुभ माना जाता था औरतों को सिर्फ और सिर्फ घर के काम के लिए ही माना जाता था उनके लिए पढ़ाई लिखाई के कोई अवसर नहीं दिए जाते थे ज्यादातर लोग बिलीव ही नहीं करते थे लड़कियों को पढ़ाना कि वो किसी काम का है एक जो कॉमन अंधविश्वास था वो ये था कि उस वक्त जो औरतें थी वो एजुकेटेड होंगी अगर पढ़ी लिखी होंगी तो वो विधवा हो जाएंगी औरतों को कोई हक नहीं था कि उन्हें कोई प्रॉपर्टी मिलेगी अपने पिता की प्रॉपर्टी में से जो प्रैक्टिस थी सती की चाइल्ड मैरिज फीमेल इन्फेंटिसाइड की वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी उस वक्त में सती का मतलब होता है कि अगर किसी का पति मर गया तो उसे भी उसकी पति की चिता के साथ जला दिया जाता था चाइल्ड मैरिज के उनकी बारह बारह तेरह तेरह साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी फीमेल इन्फेंटिसाइड कि अगर पता लग गया कि होने वाला बच्चा लड़का है तो उसे मार दिया जाता था ब्रिटेन में इन सारी कंडीशंस को लेके औरतों की इंडिया का ये इंडिकेटर माना जाता था कि इंडिया का स्टेटस कम है जेम्स मिल ने क्वेश्चन उठाया था कि और उसने सो यूज किया था सिविलाइजेशनल क्रिटिक में इंडिया के उसने इंडिया सिविलाइजेशन को क्रिटिक किया था औरतों के ऊपर सवाल उठाकर 19 सेंचुरी से लेके बहुत सारी बहस डिस्कशन हो रहे थे अलग अलग सामाजिक कस्टम्स को लेके प्रैक्टिसेस को लेके जो बहुत ज्यादा कॉमन था एक कॉमन हो गया था नई नई कम्युनिकेशन को लाके बुक्स पैम्फलेट न्यूज़पेपर मैगजीन लीफलेट्स प्रिंट होने लगी थी बहुत ज्यादा सस्ती थी और बहुत ज्यादा आसानी से लोगों को मिल जाती थी कॉमन लोग उसे पढ़ते थे और उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करते थे ज्यादातर इसमें जो मुद्दे होते थे वो सामाजिक होते थे राजनीतिक होते थे धार्मिक होते थे जिससे लोग डिस्कस करते थे और ज्यादातर ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच रही थी सती 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 प्रैक्टिस का मतलब होता है एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें विधवा को जला दिया जाता है उसके हस्बैंड के अंतिम संस्कार के वक्त औरतों को सती जो औरतें सती बनती थी उनकी इज्जत की जाती थी और माना जाता था कि उन्हें एक देवी का औहदा मिल गया है मुगल वक्त के दौरान ये प्रैक्टिस राजपूत घराने में होती थी और विजयनगर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया थे खासकर पे कलकत्ता और कलकता और उसके डिस्ट्रिक्ट एटीन नाइनटीन सेंचुरी में इस प्रैक्टिस को बहुत ऊंचे लेवल पे किया जा रहा था जो डिसीजन था सती कमिट करने का वो वॉलेंट्री था लेकिन औरतों को अक्सर मजबूर किया जाता था सती बनने के लिए जो सती की प्रैक्टिस थी वो लोगों को एक सोशल पोजीशन उनके समाज में उनको बहुत ज्यादा ऊंचा मिलता था अगर उनकी फैमिली में कोई सती बनता था जो लोअर क्लास के लोग थे वो अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए अक्सर इन सेरेमनीज को ज्यादा ऊंचा देते थे अगर एक विधवा मर जाती थी जो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती थी वो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स में बट जाती थी जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू समाज था वो इस प्रैक्टिस को जस्टिफाई करते थे कि प्रैक्टिस सही है धर्मशास्त्र को लेके राजा राम मोहन रॉय ने एक कम, एक कैंपेन चलाया था इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट और उन्होंने बताया था कि टेक्स और स्क्रिप्चर्स जो है वो इस बात को प्रूव करते हैं कि वो सती को फेवर नहीं करते और वो एक औरत को विधवा बनकर भी अपनी जिंदगी जीने की इजाजत देते हैं उनके इस एफर्ट्स की वजह से सती को फाइनली बैन कर दिया गया था और इलीगल करार दे दिया गया था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा एटीन में राजा राम मोहन रॉय राजा मोहन राम मोहन रॉय एक भारतीय धार्मिक सामाजिक और एजुकेशनल रिफॉर्मर थे जिन्होंने बहुत सारी नाइंसाफी वाली प्रैक्टिसेस को इंडिया के अंदर चैलेंज किया था और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करी थी हिंदू समाज में ब्रिटिश रूल के दौरान उन्हें अक्सर मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है और उन्हें फादर ऑफ बंगाल रनिसंस भी कहा जाता है वो बंगाली ब्राह्मीण परिवार के अंदर पैदा हुए थे उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी जैसे संस्कृत अरबिक पर्शियन बंगाली और इंग्लिश उन्होंने दो न्यूज पेपर्स संबत कौमुदी बंगाली में और मिरातुल अखबार पर्शिया भाषा में निकाला था उन्होंने अपना एक ब्रह्मो समाज बनाया था जिसको बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से उन्होंने अपना एक समाज बनाया था ब्रह्मो सभा जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से कलकत्ता में जाना जाता था वो वेस्टर्न एजुकेशन में बिलीव रखते थे उन्हें लगता था कि ये इंडिया को तरक्की के मुकाम तक ले जाएगी विडो मैरिज विधवा की दोबारा शादी जो विडोज थी जो सती नहीं बनती थी उन्हें बहुत बुरे हालातों में अपनी जिंदगी जीनी पड़ती थी उन्हें दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी उन्हें अपने सर मुंडवाने पड़ते थे सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी अजीब ज्वेलरी पहननी पड़ती थी उन्हें किसी और तरीके का सजने संवरने का इजाजत नहीं थी वो सिर्फ दिन में एक बार खाना खाती थी उन्हें किसी भी तरह की, की सामाजिक अवसर में फंक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी और उनका वहां होना अशुभ माना जाता था ईश्वरच विद्यासागर जो एक बंगाली रिफॉर्मर थे वो बहुत फेमस संस्कृत स्कॉलर भी थे उन्होंने विदो रिमैरिज के मूवमेंट को नाइनटीन सेंचुरी में शुरू किया राजा राममोहन के द्वारा उन्होंने राजा राममोहन रॉय के तरीके से उन्होंने भी एशियन टेक्स के तरीके से लोगों को सलाह देनी शुरू करी कि विधवाएं दोबारा शादी कर सकती हैं जो विडो रिमैरिज एक्ट था वो पास हुआ 1856 में जिसके 1856 में जिसके तहत विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत दे दी गई ये जो कानून था ये प्रॉपरली प्रैक्टिस में अभी भी नहीं आया

पंडिता रामाबाई एक एक्सेप्शन कैरेक्टर की वुमेन थी जो विधवा थी और उन्होंने विधवाओं के लिए जो नियम कानून लोगों ने बनाए थे उसको चैलेंज किया था उन्होंने बहुत बड़ा असर डाला था पब्लिक लाइफ में महाराष्ट्र की उन्होंने मुक्ति मिशन पूना स्टेब्लिश किया एटीन एटी, एटी नाइन में जिसमें वो विधवाओं को घर रहने के लिए जगह देती थी साथ साथ उन्हें ट्रेन करती थी कि वो कैसे फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट कर सकती हैं जो वजह थी विडो रिमेरेज की उसको दूसरे रिफॉर्मर जैसे दयानंद सरस्वती कुंदुकुरी वेरासलिंगम भराम जी मलाबरी ज्योतिराव फुलो जैसे रिफॉर्मर ने भी उठाया तेलुगु की भाषा में जो एरियाज थे मद्रास प्रेसिडेंसी इसमें कुंदुकुरी वेरासिलिंगम पंतुलू ने इस को उठाया था उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 में जिसका मेन मकसद था विडो रिमेरिज को प्रमोट करना आर्य समाज को फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने जो इस कॉज को सपोर्ट करते थे नेक्स्ट आता है चाइल्ड मैरिज बहुत सारी औरतें जो विधवा हो जाती थी बहुत ही कम उम्र में उसका मेन कारण था चाइल्ड मैरिज लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी और साथ साथ पॉलीगैमी भी अलाउड थी पॉलीगैमी का मतलब होता है एक वक्त पे एक ज्यादा बीवियां रखने की प्रथा लड़कियों को अक्सर अपने से बड़ी उम्र के आदमियों से शादी कर दी जाती थी जिनकी दूसरी बीवियां होती थी और चाइल्ड मैरिज की वजह से जो रेट था मेटर्नल मोर्टेलिटी का मतलब जो औरतें बच्चा पैदा वक्त करते वक्त जो मर जाती थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था बहराम जी मलाबरी एक पारसी रिफॉर्मर थे उन्होंने कुछ नोट्स लिखे थे इन्फेंट मैरिज एनफोर्स विदोहुड के ऊपर 1884 में उन्होंने एक डिबेट शुरू किया था इंटेलेक्चुअल्स के बीच में उन्होंने इस चीज को एडवोकेट किया था कि जो एज है शादी की उसे बढ़ा देनी चाहिए और 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट बिल था पास किया गया जिसके तहत जो एज थी लड़कियों की शादी करने की वो 10 से 12 साल कर दी गई थी और 1928 में चाइल्ड मैरिड रिस्ट्रेन एक्ट आया इसे सरदा एक्ट भी कहा गया जिसने जो लड़कियों की उम्र थी शादी की वो 14 साल और लड़कों की बढ़ाकर 18 साल कर दी थी वुमेन्स एजुकेशन बहुत सारे रिफॉर्मर्स बिलीव करते थे औरतों की पढ़ाई में कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे समाज के बढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत सारे स्कूल सेटअप करे लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए लेकिन इन स्कूल्स को लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि इन स्कूल में क्रिस्चैनिटी ईसाई धर्म को प्रीच किया जाता है जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को लड़कियों को इन स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे और लेकिन जब स्कूल पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ बहुत सारे लोग डरते थे कि अगर वो अपने बच्चों को इन स्कूल में भेजेंगे तो उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा लोग बिलीव करने लगे थे कि जो स्कूल है वो लड़कियों को वो घरों से दूर कर देगा घरों के काम से दूर कर देगा और उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे ट्रैवल करना पड़ेगा 1849 फोर्टी नाइन में यशुचंद विद्यासागर ने जे डी बैथ्यून के साथ जो प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन के एक स्कूल बनाया लड़कियों के लिए कैलकाटा में विद्यासागर ने बहुत सारे स्कूल सेटअप करे बंगाल में और बहुत सारे स्कूल वो अपने खर्चों पे चलाते थे उन्होंने आर्य समाज स्टेब्लिश करा लड़कियों के लिए पंजाब में महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई बाई फूले ने बहुत सारे स्कूल बनाए लड़कियों के लिए जिसमें से एक स्कूल था नीचे जाति की लड़कियों के लिए ज्योतिराव फूलों ने अपनी बीवी को पढ़ाया जिससे वो और लड़कियों को पढ़ा सके जो प्रार्थना समाज था उसे स्टैब्लिश करा महाराष्ट्र के अंदर एमजी रैने और आरजी भंडारकर ने 1867 में ये भी ब्राह्मो समाज की तरह ही था बंगाल के इसमें सती और चाइल्ड मैरिज को अपोज किया जाता था और विडो रीमैरिज को फीमेल एजुकेशन को एडवोकेट किया जाता था वेदा समाज को स्टैब्लिश करा गया मद्रास में एटीन में और इसको स्टैब्लिश किया था श्री नायडू ने जो इंस्पायर हुए थे ब्राह्मो समाज से इसमें भी औरतों की पढ़ाई लिखाई और विडो रिमैरिज को प्रमोट किया जाता था बहुत सारे स्कूल मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी सेटअप किए गए मुस्लिम वुमेन जो थी बेगम भोपाल उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन को औरतों में फैलाने के लिए उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला अलीगढ़ के अंदर बेगम रुकैया शकावत हुसैन फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन कैलकटा जिसे शिकावत मेमोरियल स्कूल के नाम से उन्होंने चलाया अपने हस्बैंड की याद में ड्रीम एक स्टोरी थी जो उन्होंने लिखी थी जिसमें वो उन सारे रीति रिवाजों को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते औरतों के ऊपर उसे कंडेम किया था उन्होंने अपनी स्टोरी के जरिए बताया कि कैसे जो पर्दा सिस्टम है वो औरतों को लाइफ एक्सपीरियंसिस से दूर रखता है सर सैयद अहमद खान ने भी पर्दा सिस्टम को कंडेम किया था और साथ साथ वो वुमेंस एजुकेशन के सपोर्टर भी थे ज्यादातर जो एजुकेटेड वुमेन थी उन्हें घर पे उनके फादर्स या हस्बैंड्स पढ़ाते थे जो एजुकेटेड मुस्लिम फैमिली थी नॉर्थ इंडिया में वहां पे औरतों को कुरान पढ़ाया जाता था अरबिक में और उन्हें होम स्कूल किया जाता था वुमेन टीचर से बहुत सारी औरतें जो थी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और औरतों का जो समाज में एक औहदा था उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था पंडिता रमाबाई एक बहुत बड़ी संस्कृत स्कॉलर थी जिन्हें हिंदू जिन्हें लगता था कि हिंदुइज्म में औरतों को दबाया जाता है और उन्होंने एक किताब लिखी थी हाई कास्ट हिंदू वुमेन जिसमें उन्होंने जो एक बदतर जिंदगी थी एक अपर कास्ट हिंदू वुमेन कैसे एक अपर कास्ट हिंदू वुमेन की जो मिजरेबल प्लाइट थी जो उसकी परेशानी थी उसके बारे में उन्होंने बताया था ताराबाई शिंदे वो एक एजुकेटेड वुमेन थी जिन, जिन, पूना में जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन नामक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जो सामाजिक अंतर है आदमी औरत में उसके बारे में क्रिटिसाइज किया था रसुंदरी देवी एक औरत है सॉरी रसुंदरी देवी वॉज अ वुमेन जिन्होंने खुद को लिखना पढ़ना सिखाया रात में कैंडल में पढ़ के उनकी ऑटोबायोग्राफी अमर जुबान हमें औरतों का जो उस वक्त जीवन था उसके बारे में बताती है सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फोर दिस चैप्टर आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हमने देखा कि उस वक्त औरतों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कैसे एजुकेशन औरतों में स्प्रेड हुई सो स्टूडेंट दट्स ऑल फोर दिस चैप्टर इनशाला हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर करेंगे सो so, आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं सो दीज आर दी टिक द करेक्ट फर्स्ट इज स्त्री पुरुष तुलना वॉज रिटर्न बाय स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी ताराबाई शिंदे नेक्स्ट सती वॉज अबॉलिस्ड इन सती कब खत्म किया गया था 1829 में थर्ड द वेदा समाज वॉज स्टैब्लिश इन वेदा समाज को कब स्टैब्लिश किया गया मद्रास में में 1864 फोर्थ राजा राममोहन राय स्टैब्लिश द राजा राममोहन राय ने कौन सा समाज स्टैब्लिश किया था ब्रह्मो समाज फिफ्थ द एज ऑफ कंसेंट बिल रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स टू कंसेंट बिल के तहत जो लड़कियों की शादी करने की उम्र थी उसे कितना बढ़ा दिया गया था बारह साल अब हम इसके फिलिंदा ब्लैंक्स देख लेते हैं फर्स्ट द फर्स्ट विडो री मैरिज वॉज कैरिड आउट इन पहली विधवा की शादी दोबारा कब कराई गई थी 1856 में अलोंग विद जेएडी बैथ्यून डैश स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन डैश जेडी बैथ्यून के साथ किसने लड़कियों का स्कूल शुरू किया था और कहां पे ईश्वर कहाश्वरचंद विद्यासागर ने कैलकाता में फोर्थ थर्ड द आर एस समाचव फाउंडेड बाय आर्य को किसने फाउंड किया था दयानंद सरस्वती फोर्थ बहरा जी मलाबरी मलाबारी ड्रॉड दहराम जी मलाबरी ने क्या लिखा था इन्फेंट मैरिज एंड एनफोर्स्ड विडोहुड अब हम इसके वन वर्ड देख लेते हैं फर्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडो ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ अर हस्बैंड उसके पति के अंतिम संस्कार के अंदर जब औरतों को जला दिया जाता है उस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं सती सेकेंड द ऑथर ऑफ सुल्तानीम ड्रीम किसने लिखी थी बेगम रुकैया थर्ड द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय रसुंदरी देवी रसुंदरी देवी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम क्या था अमर जिबान फोर्थ द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज किसने फॉर्म किया था एम जी रनाड़े और आर जी भंडार का अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर सोशल इविल्स फेस्ड बाय वुमेन वो कौन कौन से सामाजिक इविल्स थे जिन्हें औरतों ने फेस किया इसका आंसर पहले आप क्वेश्चन में से ही लिखेंगे सम ऑफ द सोशल इविल्स फेस बाय वुमेन वर उसके आगे, आगे आप ये लिख देंगे सती चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटी साइड ये है आपका आंसर नंबर डी का वन क्वेश्चन नंबर डी का टू है हु वॉज पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाई कौन थी इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पे पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पे राइट हैंड साइड पे सबसे लास्ट में पंडिता रमाबाई से लेके विमेन तक ये है आपका आंसर नंबर डी का टू आंसर नंबर डी का थ्री है वॉट वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स एडवोकेटेड बाय ईश्वरचंद विद्यासागर कौन कौन से बदलाव ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा किए गए थे इसका आंसर पहले आप क्वेश्चन बुक में से ही लिखेंगे सम ऑफ द रिफॉर्म्स एडवोकेटेड बाय ईश्वर चंद विद्यागर वर यहां तक लिखने के बाद इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी सेवन पे सॉरी नॉट ऑन पेज नंबर सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी सेवन इंस्टेड ऑफ पेज नंबर सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी सिक्स तो so, आपको आंसर नंबर ई का डी का थ्री मिलेगा पेज नंबर सिक्सटी फाइव वो सिक्सटी सिक्स पे पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे सम ऑफ द रिफॉर्म्स एडवोकेटेड बाय ईश्वर चंद विद्यासागर वर इसके बाद इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर सिक्सटी फाइव वो सिक्सटी सिक्स पे इस आंसर के दो पॉइंट है तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहां से ईश्वर ईश्वरचंद विद्यासागर से लेकर नाइनटीन सेंचुरी तक यह है आंसर नंबर डी के थ्री का फर्स्ट पॉइंट पेज नंबर सिक्सटी फाइव पे अब हम पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पे देखते हैं पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पे विद्यासागर से लेके एक्सपेंस तक ये है आपका आंसर नंबर डी के थ्री का टू पॉइंट अब हम डी का क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फोर है हु वॉज बहराम जी मालाबारी बहराम जी मालाबारी कौन थे इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर सिक्सटी फाइव पे सिक्सटी फाइव पे जहां आपका बहराम जी मालाबारी लिखा है यहां से लेके इंटेलेक्चुअल्स तक यह है आपका आंसर नंबर डी का फाइव सॉरी डी का फोर सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको इस लेसन का कोई भी बुक वर्क कॉपी में नहीं करना है आपको कॉपी में बस डी का क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर करना है आपको ना क्वेश्चन नंबर ई कॉपी में करना है ना ही एफ सो इनशाला विल मीट इन नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपीज के अंदर कंप्लीट करने हैं अल्लाह हाफिज